like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower. Today in our session we discussing about TET sum of GEOs gurinchi. TET में जो GEOs release हुए हैं, इस बार GEOs में क्या changes आने वाले हैं, और यहाँ पर जो candidates हैं 50 marks score करनी ज़रूरी है, ये किसके लिए है, कहाँ से कहाँ तक स्टडी करने वालों के लिए है, कौन से ईयर से ये लागू होने वाला है, ये सभी बातें आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड जो हमारे सेशन में न्यू जुड़े हैं वो हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा, एंड हिट बेल आइकॉन करिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुँचती रहे। एंड यहाँ पर सेशन शुरू करते हैं। टेट जो कैंडिडेट्स हैं उनको 50% मार्क्स यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। 2015 दिसंबर के बाद जो जिन्होंने भी इंटर या डिग्री पास किया है उनके लिए ये लागू होता है। टेट नोटिफिकेशन में ये सभी जानकारी उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है, यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर दी है कि क्लैरिटी उन्होंने दे दी है, ये नोट उन्होंने वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया है। जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी को अप्लाई कर रहे हैं 2015 दिसंबर 23 के बाद क्या आपने इंटर डिग्री पास किया है? है तो अगर किया हो तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो छूट नहीं दिया गया है। यहाँ जो इसके बाद डिग्री और इंटर पास किया है उनके लिए ये रूल्स है। अगर आपने इन 2015-23 में जो टेट हुआ है वहाँ के जीओस को अगर आप देखा जाए तो उसमें आपको इनफ 45 मार्क्स इनफ है। अगर आपने उसके बाद अगर इंटर या डिग्री की है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 50% मार्क्स आपके वहाँ पर कंपलसरी होनी चाहिए इंटर और डिग्री में। बीएससी चाहे एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, इन लोगों के लिए 45% यहाँ पर लागू किया गया है। जो जनरल कैटेगरीज है, अगर 2015 के बाद आपने डिग्री या इंटर की है तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को 50% लानी होगी। अगर आप एससी एसटी बीसी दिव्यांग पीएच हो तो आपके लिए 45% यहाँ पर कंपलसरी कहा गया है। ये रूल्स यहाँ पर पेपर वन जो इंटर के लिए अप्लाई करेंगे, पेपर वन इनके क्वालिफिकेशन इंटर से रिलेटेड करती है। अगर ये इंटर से रिलेटेड है, अगर ये 2015 से रिलेटेड है तो आपको 45% इनफ है। अगर आपने इसके बाद अगर डिग्री पास की है तो आपको यहाँ पर 50% स्कोर करनी होगी जनरल वालों के लिए। अगर आप एससी एसटी ऐसी हो तो आपके लिए 45% इनफ है। ये 2016-2017 के बाद यहाँ पर टेट कंडक्ट किया गया है, लेकिन उसमें आपको यहाँ पर किया गया है लेकिन ये रूल्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, क्योंकि आप अगर पास किया हो तो 2015 के एबो ही आएगा, इसलिए इसमें इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन आपके जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसमें इसको कंपलसरी किया गया है कि अगर आपने इंटर और डिग्री पास की है दिसंबर 2015 के बाद अगर पास की है तो आपको कंपलसरी 50% मार्क्स यहाँ पर इंटर और डिग्री में पास करनी होगी जनरल वालों के लिए। एससी एसटी वालों के लिए 45 कंपलसरी है। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फर्स्ट जो अभी अपने नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है यहाँ पर एक फर्स्ट रोज़ यानी कि सैटरडे ही 4 लाख से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं टेट के लिए। तो ये यहाँ पर टेट चुका मिनी रिलेटेड है राधा रेड्डी, उन्होंने यहाँ बताया कि स्टूडेंट को अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्पलाइन डिस्क आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसके द्वारा आप कुछ कोई भी डाउट हो तो हमसे इनसे रابطہ कर सकते हैं।
तो हेल्पलाइन डिस्क की लिंक एंड हेल्पलाइन नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अप्लाई करने के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।